नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ नीतू सिंह, और आइए नजर डालते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों पर। हिंदी दिवस का किया आयोजन, जी हां, आईआईटी खड़गपुर नगर में राजभाषा कार्यान्वयन समिति के तत्वाधान में हिंदी दिवस का आयोजन किया गया, जिसमें भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर के कमेटी रूप में किया गया। इस हिंदी दिवस पर व्याख्यान के लिए मेदनीपुर कॉलेज के प्रोफेसर डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा को बंग भूमि के साहित्यकारों का हिंदी साहित्य में योगदान विषय पर वार्ता के लिए आमंत्रित किया गया था। इस कार्यक्रम को सफल बनाने हेतु नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के सचिव एवं आईआईटी खड़गपुर के वरिष्ठ हिंदी अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार रावत, प्रोफेसर भृंगनाथ सिंह, खड़गपुर कॉलेज के वरिष्ठ हिंदी प्रोफेसर डॉक्टर पंकज साह, केंद्रीय विद्यालय नंबर 2 रेलवे सेटलमेंट खड़गपुर के प्राचार्य किशोर कुमार वेद मिश्रा के अलावा अन्य हिंदी अधिकारी एवं शिक्षक और छात्र उपस्थित थे। पश्चिम बंगाल से हमारे संवाददाता दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सब लोगों की दिल की भाषा है, मन की भाषा है। भले ही हम साहित्य का या पढ़े हुए कुछ लोग हिंदी को नकारते हैं, लेकिन हिंदी गाना और हिंदी फिल्म देखना कोई उसको नकारता नहीं। सब भाषा के लोग जाते हैं। हिंदी के प्रति जो सीरियल और हिंदी सीरियल तो नहीं है, और एक भी सीरियल जो है वो अच्छे नहीं, सब घर तोड़वा प्रार्थना पत्र के माध्यम से किया गया अवगत। जी हां, वाराणसी के चोलापुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत
पहलवान शहीद अखाड़ा रौना खुर्द चिलबिल में जिलाधिकारी महोदय अतिक्रमण के बारे में प्रार्थना पत्र के माध्यम से अवगत कराया दिया गया। जिलाधिकारी के निर्देशानुसार गंदा नाला बंद करने का आदेश हुआ, जो कि प्रशासन के द्वारा अनदेखी हो रही है। मोदी जी को मालूम है कि खेल का मैदान साफ सुथरा होना चाहिए, जिसमें एयर इंडिया फिट इंडिया कैसे करेगा, जो कि बच्चे गंदे हवा मान सांस लेने में बहुत तकलीफ होती है और बीमारी है, क्या बच्चे शिकार हो जाते हैं। कुश्ती संघ अध्यक्ष उपाध्यक्ष अजय सिंह चंदेल, सुधा देवी, मेडलिस्ट सिमरन यादव, कमेटी के सदस्य के नाम ललन यादव, उस्ताद चंद्रमा यादव आदि शामिल रहे। वाराणसी से हमारे संवाददाता सोनू यादव की रिपोर्ट। थाना क्षेत्र के अंतर्गत वार्ड से तलब करते सर, अपने पर्चे बताएं। मैं राधेश्याम यादव, रौना खुर्द चिलबिलवा सोलापुर वाराणसी, पहलवान सहित अखाड़ा, पहलवान सहित अखाड़ा रौना खुर्द चिलबिलवा वाराणसी सोलापुर। सर यहाँ पे बच्चे सुबह और शाम दोनों मिलाकर के 50 बच्चे सुबह और 40 बच्चे शाम को आते हैं, जिसमें कि बालिकाएं भी हैं शाम के पीरियड में। बालिकाएं अभी तो दो हैं, दो इसके पहले थी जो कि अपनी जगह पे सेट हो। उनका नाम एक सुधा यादव है और एक सिमरन चंदेल, इसी मिट्टी से। आप लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे हैं। हाँ, खुश जरूर दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को कुश्ती से बहुत बड़ा लगाव है। हम ये सोचते हैं कि हमारे गांव के, हमारे क्षेत्र के बच्चे दूर दराज नाम करके रोशन करके आगे जाएं। सर अपना परिचय बताएं। हम श्री दल्लन यादव अखाड़े के महा उस्ताद रौनक खुर्द चिलबिलवा से। बड़ी सौभाग्य की बात है कि हमारे राधे श्याम कोच जी बेचारे इतने अच्छे कोचिंग करते हैं। इनके अखाड़े से जितने भी बच्चे हैं, बहुत सारे मेडलिस्ट हुए हैं, उसमें दो वीरांगनाएं हैं, एक इनकी स्वतः खुद की बेचारी लड़की कन्या है, और इसमें काम उसका हुआ है बंगलोर GSW बेंगलोर, जो है कि उसने प्रदेश में मेडल लाया है, एक नंबर गोल्ड मेडल। सुधा यादव, हाँ, उनके पिताजी का नाम है राधे श्याम कोच, और इसमें बेंगलोर में जो है कि बेंगलोर वाले जो आके हॉस्टल वाले हैं, उनका सिलेक्शन करके लेकर के अपने यहाँ वार्म अप करवाते हैं, बाहर गांव जाने की तैयारियाँ हो रही है। दूसरा बच्चा है सिमरन चंदेल, सिमरन चकार है, लेकिन उसकी एज अभी कम है, कम दिन से उसको अनुभव होने के वास्ते इसमें बनारस में बीएचबाजी में साई हॉस्टल एक नया चालू हुआ है, हॉस्टल जो है कि बालिकाओं का है, और वो लोगों ने खुद ही उनको मतलब उनको ले गया, लोग वहाँ पर के वार्म अप करवा रहे हैं, और अगली बार जो है कि उसकी फुल तैयारी होगी तो भी GSW में भी चली जाएगी। बड़ी खुशी की बात है कि हम लोग पूरा क्षेत्रवासियों से सहयोग लेकर के ये जो है कि नया महावीर बजरंग बली का मूर्ति स्थापित किया, और ये मिट्टी से हम लोगों से बहुत बचपन से हमारे दादा परवाजाओं से बहुत अच्छा लगाव है, और ये लगाव के वास्ते आज जो है कि हम लोग इतने ऊंचे स्तर पे मतलब गए हैं, और गांव के सहयोग क्षेत्र से पैसा लेकर के हम लोगों ने बहुत बड़ा भव्य यहाँ पे उद्घाटन किया। यहाँ पे हमारी प्राचीन काल की जो है कि मजार है पहलवान शहीद वीर बाबा जी। यहाँ के देखभाल संचालक हमारे माननीय श्री राधेम श्याम कोच जी हैं चिलबिलवा के। हाँ, ये बहुत अच्छा कलाकार है, बहुत अच्छा प्रशिक्षण देते हैं बच्चे लोगों को, इनके हाथ के बहुत सारे बच्चे हमारे मेडल प्राप्त किए हुए हैं और आगे जाएंगे। उनका काम है ना, डॉक्यूमेंट दिया गया ना, यहाँ विवाद वाली बात तो है नहीं, वो तो डॉक्यूमेंट को दे दिया गया तो प्रशासन करेगा ना। ये थे अभी के समाचार, जानेंगे आगे के समाचार एक छोटे से ब्रेक के बाद। ग्रामीण अभियंता विभाग शाहजहांपुर की तरफ से स्वतंत्रता दिवस एवं रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्लॉक प्रमुख विकास खंड सिंधौली शाहजहांपुर से सुनीता यादव, पति फिरोज सिंह उर्फ कल्लू व प्रधान ग्राम मोर्चा अरुण दीक्षित व पूर्व प्रधान राकेश यादव ग्राम सैजना की तरफ से स्वतंत्रता दिवस रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ब्रेक के बाद पुनः आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, और आइए नजर डालते हैं आगे की तमाम बड़ी खबरों पर। ये कैसी लापरवाही, कैसा खिलवाड़ बच्चों के साथ। जी हां, लखीमपुर खीरी के निघासन ग्राम पुनहा पूर्वा का आंगनबाड़ी विद्यालय, जहां बच्चों को ना तो शिक्षा ही मिल रही है और ना ही उन्हें दलिया व अध्यापक
उच्च जो कि ग्राम कृपाकुंड में रहती है, वह दलिया मंगवाकर अपने घर रखती है और बच्चों के लिए 3 पैकेट भिजवा देती है, जो कि वह 8 दिन से 10 दिन चलाने के लिए बोलते हैं और विद्यालय में 15 दिन में सिर्फ एक बार आती है। लखीमपुर खीरी से हमारे संवाददाता अभिनय प्रताप सिंह की रिपोर्ट। कभी कभी नहीं आते हैं। हाँ। कोसार तो मिल ही नहीं रहा है। आपका क्या नाम है? निर्मला। निर्मला जी, कल आज आती है 15 दिन से जमा, ऐसे कोई बात नहीं ना, तोड़ती है कोई भाई ज्यादा हो। 5-1-8 को आई अपना फोटो खिंचाना है, हमारा फोटो पता नहीं कि जाती है ना जाती है। खींचो फोटो इसका, खींचो। आज कितना तारीख है? कल तो लिखे ना है, पता नहीं कि हमारा लिखे नहीं कि हमारा ना लिखे। जब यहाँ कोई रहेगा नहीं तो बच्चे कैसे आएंगे? वो तो ना आए, आना तो आना बराबर ही है सब। सवाल इस बात का है कि बच्चे यहाँ क्या लेने आएंगे, जब यहाँ दलिया भी नहीं है। आप दलिया भी नहीं उनको उपस्थित कराती, दलिया भी नहीं देती है बच्चों को। छोटे बच्चे हैं, उनको आप दलिया दोगी, वो उस दलिया के सहारे में आपके यहाँ आएंगे पढ़ने। और दूसरी बात, आप बुलाने जाओगी, एक बच्चे को बुला के लाओगी। और यहाँ आंगनबाड़ी, आंगनबाड़ी आज 18 तारीख 18 की देखो चढ़ी, ठीक है? इसका फोटो खींचो। 18 चढ़ी? हाँ। अच्छा, आज की चढ़ी हुई है ना। देखो भैया, हम कहाँ जानी अभी बताओ। पम्मी देवी ध्रुव कुमार, कामनी देवी रामचंद्र, उनका नंबर वंबर वगैरह है? नंबर मेरे पास ना है। क्या नाम उनका? सुमन देवी। सुमन देवी। नंबर आपके पास नहीं? हमारे पास ना है, मास्टर से हूँ। आज आई नहीं, फिर भी उनका लगा हुआ है ना यहाँ, जाके नंबर लेके आइए। इधर इधर। अच्छा, 15 दिन से नहीं आ रही है? नहीं, 8 दिन हुए हैं। 5 पैकेट दलिया दिए हुए, जिसमें से अभी आपके पास दलिया कितने पैकेट उपस्थित है? ये कभी दिखा देना। 3 पैकेट उपस्थित है। ये एक पैकेट है अभी। 8 दिन में 3 पैकेट आए हैं। नहीं तो लेके वो दे देती हूँ, ये 1 रुपया ले जाते वाली वाले बिस्कुट वही काफी। काफी मतलब दलिया ब्लैक किया जाता है क्या? नहीं लगता, ये ऐसा ही है कि दलिया ब्लैक की जाती है। बच्चों को टॉफी क्यों दी जाती है? टॉफी तो नहीं आती है। टॉफी नहीं आती, दलिया आती है। अच्छा, और बच्चे पढ़ने आपके वहाँ कितने आते हैं? सच सच हम बताए, धर्म से नहीं, हमका ये नहीं ना कि कबू 15,000 से वही 20,000, कबू बस 5-10 आए। अच्छा अच्छा, ऐसे बच्चे हैं, अति औरतें हैं, भेजती नहीं करती हम, अति दरिया में नहीं भेजती। अभी 1 हफ्ते से जब से आपके पास 5 पैकेट आए हुए हैं, तब से बच्चे आपके पास पढ़े कितने आए? 15 बच्चे पढ़े नहीं, 15-20 आए रहे परसों। कल इतवार था, इससे पहले शनिचर के यहाँ आए। शनिचर कितने बच्चे आए थे? 8। और इससे पहले 20 एक दिन। अच्छा, और वही दिन 15। मतलब जब से आपके पास 2 पैकेट दलिया आया है। नहीं, बच्चों को आप भी पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते? हाँ, लिखे हुए थे अड्डा पे। आप अड्डा फेंक के देती हो बच्चों को? कहने का मतलब ये है कि जैसे बच्चे आपके पास आए 20 बच्चे, 15 बच्चे, 8 दिन में आपके पास किसी दिन ऐसा नहीं हुआ जिस दिन 10 बच्चे से कम आए? नहीं नहीं आए, 10 कभी आए, कभी नहीं, 10 ना आए, 5-6 आए। मतलब कि 1 हफ्ते में जो आपको 2 पैकेट दलिया दिया गया है,
वो दलिया आप एक हफ्ते में कभी 20 बच्चे आए हैं, कभी 10 आए हैं, कभी 8 आए हैं, कभी 5 आए हैं, तो एक हफ्ते से आप दलिया चला रही हो। भैया कहीं है कि इतनी दलिया दो कि एक पैकेट में है 20 बच्चे लेते हैं दलिया है। अच्छा, एक पैकेट का वजन कितना होता है? 1 किलो बताइए। 1 किलो मतलब एक बच्चे को 50 ग्राम। 50 ग्राम तो कहती हूँ मनाई दी है दलिया का एक फूल का लागत कमा करती है। और जैसे आपको 3 पैकेट उपस्थित हुए थे, आपको 5 पैकेट एक हफ्ते में और 20 नहीं, अब आए ना कह रहा है बहुत दिन से तो आई नहीं, कई महीना हो गए ना आई दलिया नहीं आई है यहाँ। नहीं आई दलिया आती नहीं है। नहीं आती मतलब कि आगे से बंद हो गया ना क्या? अब ये हम भैया ना जाए जब बताइए तो मैं तो हम जान सकी थी हम कल। कौन बता रहा कि नहीं आ रही है? सुमन कहती रहा नहीं। सुमन आंगनबाड़ी है ना? हाँ जी। वो कहती है दलिया नहीं आती है, उनके मायके में दलिया लगी है। अब लगी हुई मैं सिर्फ लगती हैं मशीन का पैकेट दें चाहे बोरी आवे, अब तो मेहरबान का रहा है तो बोरी आती है। बोरी यहाँ नहीं आती है इसका मतलब? बोरी बोरी वहाँ से जाके उनके मायके में जाती है ना, वहाँ से 1-2 पैकेट यहाँ के लिए स्कूल के लिए जाती है। अच्छा अच्छा, बच्चे क्यों नहीं आते हैं? पहले गर्भवती है धात्री नहीं मिला था, उनको ना ही कुछ मिला थी। रोज बच्चे क्यों नहीं आते हैं? अब हम कहाँ बताए भैया, बच्चे इसीलिए नहीं आते हैं कि आप जैसे हैं 2 बच्चे बुला के लेके आई वहाँ से उसके घर से और आप फिर चली गई दूसरे बच्चे घर गए। यहाँ पे जो है आंगनबाड़ी है नहीं जी, ऐसी बात तो है, वो बच्चे फिर चले गए। अगर आंगनबाड़ी यहाँ पर उपस्थित रहती तो जो आप बच्चे बुला के लेके आती तो बच्चे यहीं पर रहते और बच्चों को शिक्षा अच्छी शिक्षा अगर आप देंगे, बच्चे घर जाएंगे अपने माँ बाप से नमस्ते करेंगे, जाके उन लोगों से इज्जत से बोलेंगे और जो है ये बच्चों को अभी जो बच्चे आपके वहाँ बैठे हैं, जो बच्चे आपके वहाँ जो बैठे हैं इन बच्चों को अभी ये नहीं पता है कि मैं किस स्कूल में पढ़ रही हूँ और कौन से गाँव में रह रही हूँ, तो यही शिक्षा आप लोग देती है क्या बच्चों को? अभी तक ये नहीं सिखा पाई बच्चे घर में। आगे खबरों का सिलसिला लगातार ऐसा ही बरकरार रहेगा और आप बने रहिएगा फास्ट न्यूज़ इंडिया के साथ। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।